राजस्थान के बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का वीडियो सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 जनवरी की देर रात निलंबन का आदेश दिया है। मेवाराम जैन पर रेप का मामला दर्ज है। बता दें कि 6 जनवरी को सोशल मीडिया पर उनके 2 कथित अश्लील वीडियो वायरल हुए और इसके बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तब आया है जब 15 दिन पहले ही मेवाराम जैन के खिलाफ रेप केस दर्ज हुआ था। राजस्थान कांग्रेस ने एक्स पर सूचना देते हुए पत्र में लिखा, मेवाराम जैन को अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उनके अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के तहत अनुशासन के उल्लंघन किया है। करीब 15 दिन पहले एक महिला ने जोधपुर के राजीव नगर थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित महिला का आरोप था कि मेवाराम और उनके साथी राम स्वरूप आचार्य ने उनके साथ रेप किया और 15 साल की एक लड़की का भी यौन शोषण किया। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने 25 जनवरी तक मेवाराम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और आगे की जांच करने का आदेश दिए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का आरोप है कि पूर्व विधायक ने रेप करते हुए वीडियो भी बनवाया था और मेवाराम जैन और राम स्वरूप ने पीड़िता के अलावा उसकी दोस्त और नाबालिग के साथ भी कथित तौर पर रेप किया था, उनका भी वीडियो बनाया गया। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मेवाराम ने राम स्वरूप आचार्य के जरिए उनके और अन्य लोगों के खिलाफ अक्टूबर 2023 में झूठे मामले दर्ज करवाए थे। 29 नवंबर 2022 की सुबह 7 बजे बाड़मेर कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा और वहां का पुलिसकर्मी दाऊद खान पीड़िता और उसकी सहेली को पाली रोड पर एक फार्म हाउस लेकर गए और वहां पर डीएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित पुलिसकर्मियों के साथ पहले से थे। वहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उनके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर प्रताड़ित किया गया। रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता के खिलाफ बाड़मेर कोतवाली थाने में आरोपी राम स्वरूप आचार्य ने सेक्स टॉर्शन का मामला दर्ज करवाया था। इसमें पीड़ित महिला और उसके सहयोगियों की तरफ से 50 लाख रुपए लेने और रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले पर आरोपी मेवाराम जैन का अब तक कोई बयान तो सामने नहीं आया है और उनका पक्ष आने पर हम आपको सूचित जरूर करेंगे। तब तक लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पर इंडिया।